दोस्तों, जब मैंने पहली बार YouTube पर चैनल बनाया था तो मैं सोचता था कि कब मेरे चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट होगा, कब मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज होगा, कब मेरे खाते में फर्स्ट पेमेंट आएगा। तो दोस्तों, लंबे समय बाद मेरे चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट हुआ, मेरा YouTube चैनल भी मोनेटाइज हो गया है और मेरा फर्स्ट पेमेंट भी आ चुका है। लेकिन दोस्तों, अब मैं सोचता हूँ कि मेरा YouTube चैनल कैसे ग्रो होगा, क्योंकि दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल को ग्रो करना चाहता हूँ। मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, लेकिन दोस्तों मैं YouTube से अच्छा खासा पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज नहीं आता। महीने का 500 तो कभी 400 तो कभी 300 कमाता हूँ। तो दोस्तों, इतने में खर्चा नहीं चल पाएगा। जब तक मेरा YouTube चैनल ग्रो नहीं होगा, तब तक मैं YouTube से अच्छा खासा पैसा नहीं कमा पाऊंगा। कुछ लोगों को ये लगता है कि किसी तरह मेरे YouTube चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए, चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं YouTube से अच्छा खासा पैसा कमाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो चुका है, उसके बाद भी आप YouTube से अच्छा खासा पैसा नहीं कमा पाओगे, क्योंकि दोस्तों आपके वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज नहीं आएगा। जब तक आपकी वीडियो पर 6-7 हज़ार व्यूज नहीं आता है, तब तक आपका $1 कंप्लीट नहीं होगा। 6-7 हज़ार व्यूज होगा तभी आपका $1 बनेगा, क्योंकि दोस्तों उस समय RPM बहुत ही कम होता है। मतलब 1,000 व्यूज पे आपका $1 भी नहीं बनेगा, सच कह रहा हूँ। जब तक आपकी वीडियो पर 6-7 हज़ार व्यूज नहीं आएगा, तब तक आपका $1 कंप्लीट नहीं होगा। और दोस्तों, काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया, आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है, आप यूट्यूब से कितना कमाते हो? तो दोस्तों, बहुत बुरा लगता है, उनको दिखाना पड़ता है कि देख लो भैया, $6 बन रहा है महीने का, कभी $4 बनता है। तो दोस्तों, अच्छा नहीं लगता है, मतलब बुरा लगता है यार, कि काफ़ी सालों से मैं अपने YouTube चैनल पर काम कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मेरा YouTube चैनल ग्रो नहीं हुआ। चैनल ग्रो क्यों नहीं हुआ, आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, जब मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज हुआ था, तो उस समय ही चैनल डेड, मतलब फ्रीज हो चुका था। फ्रीज क्यों हुआ, चैनल डेड क्यों हो गया, चैनल बर्बाद क्यों हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ। मिक्स कंटेंट मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालता था, मतलब अलग अलग कैटेगरी पर वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता था, और मिक्स कंटेंट के कारण ही मेरे यूट्यूब चैनल पर मिक्स सब्सक्राइबर भी आया। तो दोस्तों, मिक्स सब्सक्राइबर जब आपके यूट्यूब चैनल पर आता है, तो दोस्तों कोई आपकी वीडियो देखेगा तो कोई नहीं देखेगा, क्योंकि दोस्तों आप अलग अलग विषय पर वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हो, तो कोई कौन सा विषय का वीडियो देखकर आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो कोई कौन सी वीडियो को देखकर आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो मतलब ये है कि सब्सक्राइबर भी आपको वही लाना है जो आपके चैनल का कैटेगरी है। मान लीजिए कि आप अपने YouTube चैनल पर ब्लॉग के वीडियो बनाते हो, तो दोस्तों जिन्हें ब्लॉग देखना अच्छा लगता है, ब्लॉग देखना उन्हें पसंद है, तो वो सब्सक्राइबर ही आपके जेन्युइन सब्सक्राइबर होंगे, और कोई सब्सक्राइबर आपके जेन्युइन नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी लोगों के चैनल पर सब्सक्राइबर तो काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग मिक्स कंटेंट डालते हैं। इसीलिए आपको हमेशा एक ही कैटेगरी पर काम करना चाहिए। मान लीजिए कि जिस कैटेगरी का आपका चैनल है, उसी कैटेगरी पर ही आपको वीडियो बनाना है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग कैटेगरी पर वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हो, तो दोस्तों आपका चैनल डेड, मतलब बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने भी यही गलती किया, और दूसरी गलती मैंने क्या किया, अपने यूट्यूब चैनल को छोड़ दिया था। जब चैनल मोनेटाइज हुआ, तो व्यू डाउन, सब्सक्राइबर डाउन, चैनल का रीच डाउन, वीडियो का भी रीच डाउन, हमारी वीडियो को यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा था, वीडियो का नोटिफिकेशन सब्सक्राइबर के पास भेज नहीं रहा था, अच्छा खासा इम्प्रेशन नहीं भेज रहा था, तो मैंने यूट्यूब चैनल को छोड़ दिया। तो दोस्तों, कभी भी
आप अपने YouTube चैनल को मत छोड़ना, चाहे चैनल डेड क्यों ना हो जाए। सच कह रहा हूँ मैं, अगर आपका YouTube चैनल डेड मतलब फ्रीज हो चुका है, तो उन सब्सक्राइबर को आप भूल जाओ। आप ये सोचो कि मैं अपने YouTube चैनल पर फिर से काम कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों वो सब्सक्राइबर आपके एक्टिव सब्सक्राइबर नहीं रहेंगे, आपकी वीडियो को नहीं देखेंगे। इसीलिए आपको नए सब्सक्राइबर लाना पड़ेगा और एक ही कैटेगरी पर काम करो, मतलब एक ही कैटेगरी पर वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करो। अगर आपका ब्लॉग का चैनल है तो ब्लॉग का ही वीडियो बनाओ, ऐसा नहीं है कि कभी डांस का वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हो, तो कभी न्यूज़ की वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हो, तो कभी गेमिंग की वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हो, तो कभी कुछ अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे हो, तो दोस्तों ऐसे में आपका YouTube चैनल बर्बाद हो जाएगा। सच कह रहा हूँ, अगर आप अपने YouTube चैनल पर एक ही कैटेगरी पर काम करोगे, तो दोस्तों आपके चैनल पर एक ही कैटेगरी के सब्सक्राइबर भी रहेंगे और वो सब्सक्राइबर आपकी हर वीडियो को देखेंगे। सच कह रहा हूँ, हर वीडियो को देखेंगे। और दोस्तों सब्सक्राइबर के साथ तालमेल आपको रखना पड़ेगा, अगर आप अपने सब्सक्राइबर के साथ तालमेल नहीं रखते हो, मतलब सब्सक्राइबर का जवाब नहीं दे रहे हो, कमेंट का जवाब नहीं दे रहे हो, तो दोस्तों ऐसे में सब्सक्राइबर एक्टिव नहीं रहेंगे, आपके यूट्यूब चैनल को छोड़ देंगे और चैनल जो सब्सक्राइब कर रहे हैं ना अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो सब्सक्राइबर के साथ तालमेल भी आपको रखना पड़ेगा। और दोस्तों जब आप यूट्यूब पर चैनल बना रहे हो, तो उस समय चैनल का बेसिक सेटिंग, एडवांस सेटिंग, चैनल का कैटेगरी, लैंग्वेज और कंट्री सेलेक्ट कर लेना। मतलब ये सेटिंग जब आप यूट्यूब पर चैनल बना रहे हो, तो उसी टाइम आपको ये सेटिंग कर लेना है। अगर नहीं करोगे तो दोस्तों आपका चैनल सर्च इंजन में नहीं आएगा। मान लीजिए कि आप बेसिक सेटिंग नहीं करते हो, तो आपका चैनल सर्च इंजन में नहीं आएगा। अगर आप एडवांस सेटिंग नहीं करते हो, तो आपके चैनल पर 18 प्लस वीडियो अपलोड होता है या फिर नहीं होता है, ये यूट्यूब को समझ में नहीं आएगा। अगर चैनल का कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करते हो, तो यूट्यूब को ये भी समझ में नहीं आएगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल पर किस कैटेगरी का वीडियो अपलोड करते हो। यूट्यूब को कभी नहीं समझ में आएगा और आपकी वीडियो को यूट्यूब रिकमेंड नहीं करेगा। अगर आप चैनल का लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं करते हो, तो दोस्तों आप अपने YouTube चैनल पर किस लैंग्वेज की वीडियो अपलोड करते हो, ये भी YouTube को समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आपकी वीडियो उन लोगों के पास पहुंचाएगा जिन्हें हिंदी नहीं आता है। तो दोस्तों ऐसे में भी आपके चैनल पर अच्छा खासा व्यूज नहीं आएगा, आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आएगा। अगर दोस्तों आप अपने यूट्यूब चैनल पर ये कंट्री सेलेक्ट नहीं करते हो, तो कंट्री से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन होता आपका बेसिक सेटिंग, एडवांस सेटिंग, चैनल का कैटेगरी और लैंग्वेज। ये चार चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से सेटिंग कर लेना है। अगर नहीं करते हो, तो दोस्तों आपका चैनल कभी भी करो नहीं हो पाएगा। आप अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलर वीडियो बना के अपलोड करो, फिर भी आपकी वीडियो यूट्यूब को समझ में नहीं आएगा कि वीडियो का लैंग्वेज क्या है, कैटेगरी क्या है, सब्जेक्ट क्या है वीडियो का, आपकी वीडियो 18 प्लस है या नहीं है, ये भी यूट्यूब को समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों आपका चैनल बर्बाद हो सकता है। सच कह रहा हूँ, ये गलती मैंने किया है। अगर आपने ये सेटिंग अभी भी अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं किया, तो दोस्तों कर लेना, सच कह रहा हूँ कर लेना। नहीं करोगे तो दोस्तों पछताओगे। आप अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलर वीडियो बनाकर अपलोड करो, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, चैनल ग्रो ही नहीं होगा, बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगा। सच कह रहा हूँ मैं। काफ़ी लोग सोचते हैं ना कि यार अलग अलग कैटेगरी पर वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा तो चैनल ग्रो होगा, या फिर वीडियो वायरल हो जाएगा, या फिर ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा तो वीडियो वायरल हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो भी वायरल हो जाएगा, सब्सक्राइबर भी आ जाएंगे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। सच कह रहा हूँ मैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मान लीजिए कि एक वीडियो पर आपके 3 लाख व्यूज आ गए, और वीडियो पर जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर रहे हो, या फिर लेटेस्ट वीडियो पर आपके 100, 150 व्यूज आ रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं होगा, चैनल का एक एवरेज व्यूज होता है, उसके हिसाब से ही धीरे धीरे यूट्यूब चैनल ग्रो होता है। सच कह रहा हूँ मैं,
ये गलती मैंने खुद किया है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और कभी भी ये मत सोचना कि मैं हार चुका हूँ या फिर मेरा YouTube चैनल कभी नहीं ग्रो होगा। दोस्तों YouTube का कुछ भी भरोसा नहीं है। होता क्या है कि किसी किसी का ना किस्मत खराब होता है, भाग्य के साथ किस्मत भी अच्छा होना चाहिए, सच कह रहा हूँ। किसी किसी का 1 साल में YouTube चैनल ग्रो हो जाता है, तो किसी का 2 साल में YouTube चैनल ग्रो नहीं होता, तो किसी का 3 साल में YouTube चैनल ग्रो नहीं होता, तो किसी का 5 साल बाद भी YouTube चैनल ग्रो नहीं होता। मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है, सच कह रहा हूँ मैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। कब YouTube आपका चैनल बर्बाद कर देगा, कब आपका YouTube चैनल ग्रो कर देगा, कब आपका वीडियो वायरल कर देगा, कुछ भी नहीं पता। आप बड़े बड़े यूट्यूबर से पूछते हो ना कि कब मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा, दोस्तों किसी को नहीं पता कौन सी वीडियो कब वायरल होगा, किसी को भी नहीं पता कब आपका YouTube चैनल ग्रो होगा, कब आपका चैनल मोनेटाइज होगा, कब आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल होगा, किसी को भी नहीं पता, सच कह रहा हूँ।